हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन। अभी ऐसे मार्केट अच्छा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं, जिसमें एसएमई आईपीओ भी आ रहे हैं और मेन बोर्ड आईपीओ भी आ रहे हैं। तो दोनों कैटेगरी के आईपीओ आ रहे हैं, तो जो जो अभी आईपीओ आ रहे हैं उसके हम वीडियो बनाएंगे, रेगुलर बेसिस पे बना रहे हैं। तो आप चाहें तो इनको खरीदना बेचना कैसे वो सब भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है उसके ऊपर। तो आज हम बात करते हैं अभी इसके एसएमई कैटेगरी के आईपीओ, उसका नाम है स्लोन इन्फो सिस्टम आईपीओ। ठीक है, तो इस कैटेगरी का आईपीओ भी कब से ओपन हुआ है, क्या है जीएमपी के चल रही है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे अभी इसमें। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे 3 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये फ्राइडे से 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो अभी छुट्टी आ गई, सैटरडे संडे आ गया, तो बीच में भी है, बाकी 6 और 7 को भी वापस पूरा मौका मिलेगा इसमें लगाने के लिए। तो आप चाहें तो लास्ट डेट को भी लगा सकते हैं, कंडीशन देख के जो भी है। अभी हम देखेंगे ओवर सब्सक्राइब हुआ नहीं हुआ, अभी जीएमपी जो सब चीज़ें देखते हैं। 11 करोड़ का अप्रोक्स यहाँ पे आईपीओ नॉर्मल इसी साइज होते हैं, और छोटा आईपीओ बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ये भी फट चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। छोटा आईपीओ की साइज में ये चीज़ें होती है, आपको मिलने के चांसेस मतलब उसमें उस हिसाब से होता है। अभी कई आईपीओ अच्छे आते तो 400-500 गुना रिटेल कैटेगरी में, 800-900 गुना भी हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें चलती रहती है इसमें। और इसमें देखो ऐसे में आईपीओ में सबसे पहले देखते हैं क्या होता है ना सिस्टम इसमें, कि आपको जितना भी जैसे 1600 शेयर का एक लोट है यहाँ पे, तो आपको पूरा का पूरा शेयर का लोट आपको जितने वो सारे एक साथ या तो बाय कर सकते हो सेल कर सकते हो। आप जैसे आईपीओ अलॉटमेंट हो गया, तो आपको पूरा शेयर सारे एक साथ यहाँ पे सेल होंगे, और वो कैसे सेल होंगे उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 7 तारीख उसकी लास्ट डेट है। और इसमें जो प्राइस बैंड रखा गया, फिक्स रखा गया 79 रुपीज का पर शेयर यहाँ पे, मतलब इसमें वो नहीं रखा कि 75 रुपये से लेकर 90 रुपये 80 रुपये के आसपास रेंज, वैसे नहीं रखा, फिक्स रखा है यहाँ पे इसमें। तो इसी प्राइस पे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, और एक लोट लगाने के लिए आपको 1,26,400 रुपये इसमें मिनिमम अमाउंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। लिस्टिंग होगी इसकी 10 तारीख को, 10 मई को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी इसमें, आज के टाइम में मतलब 3 दिन में लिस्टिंग रहती है, सबकी रहती है। और पूरा फ्रेश इशू है यहाँ पे, जितना भी फंड आएगा यहाँ पे पूरा फंड इसके यहाँ पे कंपनी के इसमें बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाया जाएगा। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी थी, मतलब पूरी की पूरी अप्रोक्स 100% थी, अब 73% जाएगी यहाँ पे उसमें आने के बाद ये। ठीक है, इसमें एक लोट लगाने के लिए 26,400 की हमें यहाँ पे, और मीडियम एच एन आई कैटेगरी की जाते हैं 3200 शेयर, 2 लोट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें हम कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे जीएमपी की, जीएमपी के चल रही है इसकी, तो जीएमपी में देखें यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी जीएमपी चल रही है, 84% की है। तो जीएमपी अगर देखो 35-40% के ऊपर की जीएमपी है और सस्टेन कर रही है उसमें लास्ट डेट तक, तो भी वहाँ एक बार रिस्क ले सकते हैं भरने के बाद, ये तो काफ़ी सही है कि जीएमपी इस सभी जो भी कंडीशन में दिख रहा है यहाँ पे। बाई चांस अगर मार्केट में कुछ ऐसे नेगेटिव रहता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, और अगर ये अपडाउन होती है लास्ट डेट पे, या मतलब 30-40% के आसपास आती है, तो समझ लो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्या होता है ना जीएमपी अगर डाउन हो रही है मतलब कहीं ना कहीं वापस थोड़ा सा नेगेटिव दिखने लगा है, और अगर इतने के आसपास होल्ड करती है, 50-60% होल्ड करती है या फिर होल्ड पड़ती है, तो यहाँ पर हम अच्छा इसको पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। और लिस्टिंग गेन पे देखना है यहाँ पे क्या होता है ना, सर्किट में चलते थोड़े से शेयर, ये जब लिस्टिंग होती है इसमें जो भी ओपन होता है प्राइस बैंड, तो उसके बाद क्या होता है नॉर्मली 5% के लोअर सर्किट अपर सर्किट में वहाँ पर प्राइस सेटल हो जाती है दिन भर में, यहाँ पे दिन भर होता है इस समय। अब हम बात करेंगे आगे इसमें, देखते हैं कंपनी का क्या बिजनेस वगैरह होता चीज़ें यहाँ पे, तो कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट के उसमें डील करती है यहाँ पे कंपनी के, इसमें ये सारा इसका जो बिजनेस है यहाँ पे सेलिंग, और उसमें जो भी आईटी के इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो सीओ में यहाँ पे कंपनी काम करती है। तो आईटी को ऐसे नॉर्मली जहाँ तक मैंने देखा पास में, अगर ढंग का आईपीओ आता है तो उसको रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, किसी यहाँ पे थोड़े ऑब्जर्व करी मैंने पहले जितना भी है इसमें, इसके एक बार फंडामेंटल्स वगैरह भी देख लेंगे हम। और देखो 50% का जो रेशो रखा गया है वो है रिटेल कैटेगरी के लिए, तो ऑलरेडी 34-35 गुना हो चुका है, भर चुका है यहाँ पे, एनआईएन ने भी भर चुका है, ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, पर लास्ट डेट तक जहाँ तक ये पूरा भरते जहाँ तक भरते हैं, तो आपको सेकेंड लास्ट डे या फिर लास्ट डेट को ज़्यादा पूरा अच्छा डेटा मिल जाएगा, और ये भी 300-350 गुना आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका डेटा, हिसाब से भी फल के भराई में आया है। फंडामेंटल्स देखते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल्स में देखो ये बहुत नॉर्मल सा है, अभी तो डेटा है यहाँ पे 21-22-23 का 3 साल का डेटा है यहाँ पे कंपनी का बनी, वो भी देखते हैं एक बार कंपनी का कब हुआ था, 2022 में तो कंपनी बनी है यहाँ पे, देखिए डेटा देखो कंपनी 2022 में बनी है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखा रहा था 2021 में यहाँ पे दिखा रहा था। अब ये चीज़ के हिसाब से पॉसिबल है कैसे हो रही है वो चीज़ प्रोसेस में डाउट वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी जब यहाँ पे आई है इसमें आप देखिए यहाँ पे कंपनी का फाउंडिंग इसमें फाउंडेड यहाँ पे 22 में हुआ है, तो उसके इतना एक किसका डेटा यहाँ पे किसा है वो पुराना, मतलब वो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड में हो सकता है कि इसको बाद में 22 में कराओ, पहले अलग से काम करो, इसलिए यहाँ पे डेटा दिखा रखते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल है कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे, और 2023 में तो काफ़ी अच्छे जंप करा इसने यहाँ पे 21-22-23 में यहाँ पे काफ़ी, तो डेटा वाइज फाइनेंशियल वगैरह तो यहाँ पे इसकी कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अगर आपका लिस्टिंग गेन के पर्पज से आप कर रहे हैं, जैसे अभी बेंच मार्क कुछ टाइम पहले आया था एक टू अला, और जैसे अगर लिस्टिंग गेन के पर्पज से कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ जीएमपी देखने पे फोकस करें और थोड़ा सा फंडामेंटल देखने की कंपनी प्रॉफिटेबल तो है नेटलेस, तो वो चीज़ अगर आप देखेंगे अगर उसमें आपको पॉजिटिव लग रहा है तो उसमें यहाँ पर हम एक बार देख सकते हैं उसमें अप्लाई करने के लिए। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लें यहाँ पे भरने के लिए, तब जाके यहाँ पे एक बार फाइनल डिसीजन लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।